हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो होने वाली है यूनिट टू पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो कि है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कवर करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि इसके काफ़ी सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप आपने प्लेलिस्ट वॉच करी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपनी क्लास ग्रुप में भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर वन है डिफाइन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे हमें गिवन है, और साथ ही हमें नीचे डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू केवी स्मिथ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। उसके बाद आ जाता है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जिसमें आप टू वेज में वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर सकते हो, जो कि है नंबर वन ग्रोस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये हमारा नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल है, और द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न कैन बी क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग साइकल्स। क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट हो जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट भी करते हैं और डिटरमाइन भी करते हैं, वो वाले फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन पॉलिसी। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें क्लास ग्रुप में। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचनी चाहिए, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने शेयर कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आप ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 28 को आपका एग्ज़ाम है, और कोई भी ऐसी वीडियो दिखे जिस पे एमकॉम लिखा हो, एमबीए लिखा हो, वो भी आप स्टडी कर सकते हो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैटर सेम ही रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक है। क्योंकि मेरे पास दोनों ही बुक हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बीकॉम की भी है और एमकॉम की भी है, तो दोनों में मैंने देखा मैटर बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। You can study. ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है पूरा। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज इट्स नीड, व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो नीड और इम्पोर्टेंस आपको इसमें बताना है बेसिकली, क्योंकि मीनिंग हमने आपने पहले ले लिया है स्क्रीनशॉट मीनिंग का। तो ये है इम्पोर्टेंस और नीड वर्किंग कैपिटल की। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से लेना है, ये जो डायग्राम है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल का, ये आपको बना के आना है। देख रहे हो आप, दो टाइप के हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कंसेप्ट के बेस पर होता है और टाइम के बेस पर होता है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आएंगे। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ। इसके बाद इन टाइप्स का ही एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है, टाइप्स का ही एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट हो जाता है, प्रिंसिपल्स बताने हैं यहाँ पर आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट्स,
देन प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, और उसके बाद आ जाते हैं आपके मेथड्स और टेक्निक्स, किसके एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, कि आप किस तरीके से एस्टिमेट करते हो, इन टेक्निक्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टेक्निक्स में आपको मेथड्स गिवन है, आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फोरकास्टिंग मेथड, कैश फोरकास्टिंग मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो ये एडवांटेजेस आपको गिवन है, और यूनिट 2 की सेकंड पार्ट वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि आप जानते ही हो कि वर्किंग कैपिटल में ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट बनाया, और बाकी के जो 2 चैप्टर बचे हैं उसकी मैं अलग से बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। उसके बाद ये सारे हमारे एडवांटेजेस के हैं पॉइंट, ये सारे एडवांटेजेस के हैं पॉइंट, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की एडवांटेजेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सेस एंड इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, कि या तो ज़्यादा हो गई या फिर कम हो गई वर्किंग कैपिटल, ये क्या है इसके बारे में आपको बता रहे हैं, इसका हमें आंसर गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं इसकी कुछ, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। तो हमें हो गया हमारा सोर्सेज बताने हैं यहाँ पर आपको, सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कहाँ कहाँ से आप वर्किंग कैपिटल ऑब्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म में इंटरनल सोर्सेज से लेने हैं या फिर एक्सटर्नल से लेने हैं, ये भी है। लॉन्ग टर्म में आप शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, अपने फिक्स असेट्स को सेल करोगे, है ना, तो ये आपके हैं लॉन्ग टर्म। फिर यहाँ से स्टार्ट, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ लेट्स मूव फर्दर, शॉर्ट टर्म सोर्सेस, ये सारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, सारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेथड्स यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये, के बाद स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल, और इसके अप्रोचेज आपको बताने हैं फाइनेंसिंग मिक्स के, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम कैसा हुआ, जो कि आज था, मैचिंग और हेजिंग अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है व्हाट इज़ मीन बाय, डिफरेंस आपको बताना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग के ऊपर वीडियो बनी हुई है, यू कैन वॉच फ्रॉम दी प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। ये सारा डिफरेंस का है, और उसके बाद आपके आ जाते हैं, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद डिफरेंसेस हैं परमानेंट और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के, और व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फॉरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। कौन कौन से फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं जब आप वर्किंग कैपिटल को फॉरकास्ट कर रहे हो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के द्वारा। आई होप यू, आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और रिमेनिंग वीडियोस जल्द ही चैनल पर अपलोड होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।